nominal, aids. Taxonomical aids की जो हम बात करते हैं तो taxonomical aids क्या होते हैं? Taxonomical मतलब कोई भी वो तरीके जो taxonomy के बारे में बताते हैं, क्या कहलाते हैं? Taxonomical. और तरीके क्या कहलाएंगे? Aids. जो भी taxonomy को represent करने वाले pathways होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Taxonomical aids बोलते हैं. जब हम taxonomical aids को study करते हैं तो हमारे पास different different types के taxonomical aids होते हैं. Herbarium, botanical gardens, zoological museum, zoological park, उसके अलावा की. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हर्बेरियम. हर्बेरियम क्या होता है? हर्ब का कलेक्शन. हर्बेरियम क्या है? हर्ब का कलेक्शन. जो हर्ब का कलेक्शन करते हैं वो हर्बेरियम में करते हैं. हर्बेरियम क्या होती है? इज अ काइंड ऑफ बुक. इज अ काइंड ऑफ बुक. एक स्पेसिफिक बुक होती है जिसके अंदर हर्बेरियम शीट होती है. हर्बेरियम शीट्स होती हैं. वो हर्बेरियम शीट्स जो होती हैं वो लॉन्ग साइज के क्या होते हैं? लॉन्ग साइज की शीट्स होती हैं जिनकी जो लेंथ होती है 43 into 29 सेंटीमीटर होती है. तो इसमें हम क्या करते हैं हर्बेरियम में? हम प्लांट पार्ट्स लेंगे. जो प्लांट पार्ट्स हम लेते हैं वो प्लांट की लीफ हो सकती है, वो प्लांट के फ्लावर्स हो सकते हैं, उसकी स्टेम हो सकती है. मतलब एक स्पेसिफिक क्या लेंगे? प्लांट पार्ट लेंगे जिसके ऊपर जिसको देखकर हमें क्या मिले? एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिले. ठीक है, तो जो भी प्लांट पार्ट हमने लिया हम उसको क्या करेंगे? हम उसको ड्राई करेंगे. ड्राई क्यों करेंगे? क्योंकि अगर वो वेट कंडीशन में हम पेस्ट कर देंगे तो वेट कंडीशन में पेस्ट करने की बजाय उसकी वजह से क्या होगा? उसके ऊपर माइक्रोबियल यानी फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वो पूरा का पूरा प्लांट पार्ट जो होगा वो खराब हो जाएगा. तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? प्लांट पार्ट को प्रेस करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है और उसके बाद उसको हम हर्बेरियम शीट के ऊपर क्या कर देते हैं? पेस्ट कर देते हैं. जब हम उस प्लांट पार्ट को पेस्ट करते हैं तो उसके साइड में उसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं. क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसका कॉमन नेम लिखा जाता है, इंग्लिश नेम लिखा जाता है और जो भी जिसने भी कलेक्ट किया है जो भी साइंटिस्ट है उसका नाम लिखा जाता है. यानी वो कंप्लीट शीट जो होती है वो उस ड्राइड प्रिजर्व और प्रेस जो प्लांट पार्ट है उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देती है. तो हर्बेरियम होता है ये. हर्बेरियम मोस्टली जो होता है मतलब हमेशा ही प्लांट स्पीशीज के लिए यूज किया जाता है. एनिमल
एजुकेशन या पब्लिक अवेयरनेस के लिए, स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए, स्पेसिमेन स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, बोटेनिकल गार्डन को एस्टेब्लिश करते हैं। जब हम बोटेनिकल गार्डन को एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके साथ साथ हमें क्या होता है, डिफरेंट वैरायटीज के जो प्लांट हैं या प्लांट स्पीशीज हैं उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है। वर्ल्ड के अंदर जो लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है वो है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो क्यू में है, क्यू इंग्लैंड में। अच्छा जी, उसके अलावा हम इंडिया की बात कर लेते हैं तो इंडिया के अंदर एशिया के अंदर जो लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है एशिया के अंदर, ये तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हो गया, एशिया के लार्जेस्ट की बात करते हैं तो एशिया के अंदर लार्जेस्ट जो है वो है इंडियन बोटेनिकल गार्डन। कलकत्ता में, ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे बोटेनिकल गार्डन्स की। अब हम डिस्कस करेंगे जूलॉजिकल म्यूजियम। तो जूलॉजिकल म्यूजियम्स क्या होते हैं, जूलॉजी नाम से ही पता चल रहा है, एनिमल्स के बारे में है, यानी एनिमल्स के स्पेसिमेंस को रखा जाता है यहाँ पे। तो जो म्यूजियम्स होते हैं वो थ्री कैटेगरीज के हो सकते हैं, जूलॉजिकल म्यूजियम्स। जूलॉजिकल म्यूजियम्स की जब हम बात करते हैं तो उनकी थ्री कैटेगरीज होती हैं, वन इज स्मॉल, वन इज मीडियम एंड अदर इज लार्ज। तो जूलॉजिकल म्यूजियम्स के अंदर जो भी एनिमल स्पीशीज को रखा जाता है, जो भी एनिमल्स के स्पेसिमेंस रखे जाते हैं वो ड्राई हो सकते हैं और वो वेट हो सकते हैं। ड्राई का मतलब क्या, जब कोई भी प्लांट एनिमल स्पीशीज की डेथ हो जाती है तो उसके इंटरनल बॉडी पार्ट का उसको एक्सट्रैक्ट बाहर निकाल के उसके अंदर फिलिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद उसके अंदर माइक्रोबियल इन्फेक्शन के चांसेस रिड्यूस कर जाते हैं। जैसे लेबोरेटरीज के अंदर आपने स्पैरोज या पिजन्स है उनकी अंदर फिलिंग देखी होगी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस को शो करते हैं, इंटरनल अपीयरेंस जो होता है उनका स्ट्रक्ट होता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो स्पीशीज होते हैं वेट वेट स्पेसिमेंट्स जो रखे जाते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए हो सकते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन बॉटल्स के अंदर एक स्पेसिफिक प्रिजर्वेटिव लेते हैं और उस प्रिजर्वेटिव के अंदर जो प्रिजर्वेटिव होता है वो मोस्टली फॉर्मलिन यूज करते हैं। फॉर्मलिन एक्चुअली ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड, बट इट प्रिवेंट द स्पेसिमेन फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शन। तो उस फॉर्मलिन सॉल्यूशन के अंदर प्लांट्स या एनिमल्स के स्पीशीज को रखा जाता है स्पेसिमेंस की फॉर्म में फर्दर फ्यूचर स्टडीज के लिए। तो लेबोरेटरीज के अंदर स्पेसिमेंस की बॉटल्स देखी होंगी जिसमें आपने स्पेसिमेंस देखे होंगे। तो जो जूलॉजिकल म्यूजियम्स होते हैं वो स्मॉल हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं। स्मॉल स्केल के जो जूलॉजिकल म्यूजियम्स देखने को मिलते हैं वो मोस्टली स्कूल्स में देखने को मिलते हैं, मीडियम साइज के कॉलेजेस के अंदर देखने को मिलते हैं या यूनिवर्सिटीज के अंदर देखने को मिलते हैं, और लार्ज स्केल के जो होंगे वो लार्ज स्केल पे होंगे जिसके जो लार्ज एरिया को एक्वायर करेंगे। तो इसमें क्या है, मोस्टली जूलॉजिकल म्यूजियम्स को एस्टेब्लिश करने का मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है पीपल्स या स्टूडेंट्स को एजुकेट करना, पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को स्टडी करना और स्टडी को ईजी और कन्वीनियंट बना लेना। यहाँ पे हम एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है उनके स्पेसिमेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरीज आती है हमारी वो आती है जूलॉजिकल पार्क्स की। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा जूलॉजिकल पार्क्स। तो जूलॉजिकल पार्क्स एक्चुअली में क्या होते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स एक्चुअली में वो एरिया होते हैं जहाँ पे एनिमल स्पीशीज को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट
जंगल, यानी उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता था। इनको जू भी बोला जाता था, अब हाल फिलहाल इनको जूलॉजिकल पार्क बोला जाता है। तो पहले सिंपल से स्पैरोज वगैरह देखने को मिलती थी, अब हाल फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रखा जाता है। तो जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं उसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिजम्स को एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो इजीली सरवाइव कर पाए वहाँ पे। तो इन जूलॉजिकल पार्क्स को एस्टेब्लिश करने का मेन पर्पस क्या है, पीपल्स को एजुकेट करना, पीपल्स की एजुकेशन के लिए हम इजीली स्टडी कर सकते हैं एनिमल्स को। उसके अलावा जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं उन एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बेस्ट क्या है एरियाज है या बेस्ट तरीका है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट करने का। तो हम एग्जांपल दे सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल हम एग्जांपल दे सकते हैं सिटी नेशनल पार्क का, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट द चिगम नेशनल पार्क का। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनको रखा जाता है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होता है ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर, ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पे बैन होती है, यानी किसी भी टाइप की हंटिंग या एनिमल्स के साथ छेड़छाड़ जो होती है वो प्रोहिबिटेड होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है टैक्सोनॉमिकल एड्स में की। की क्या होती है, की जो होती है वो टैक्सोनॉमिकल एड्स में एनिमल्स की सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज का कैटलॉग होता है जिस बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। की क्या है, इज अ काइंड ऑफ कैटलॉग जिसके अंदर हम क्या करते हैं एनिमल्स की सिमिलैरिटीज और जिस सिमिलैरिटीज के बेसिस के ऊपर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेस के ऊपर तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है यानी जो भी कैटलॉग है वो अल्टरनेट स्टेटमेंट्स को कैरी करता है, अल्टरनेट स्टेटमेंट को कैरी करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिमिलैरिटीज भी होंगी डिसिमिलैरिटीज भी होंगी, तो इस वजह से क्या होगा अल्टरनेट क्या होंगे, जैसे This is BR bracket and this is EBR E bracket. ये conditions हैं plants के specific characters को represent करने के लिए। तो जो similarities और dissimilarities के basis के ऊपर हमें कुछ alternate statements देखने को मिलते हैं उन statements को हम couplets बोलते हैं। क्या बोलते हैं, couplets बोलते हैं, ठीक है। तो keys जो है वो identification है जिन स्टेटमेंट के बेसिस पर हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो ये बात हो गई हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स की। उसके अलावा द लिविंग वर्ल्ड में हम एक चीज और देखते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर वो हमारा स्किप हो गया था तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। जब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं तो ट्राई का मतलब थ्री, नोमियल का मतलब नेम्स प्रोवाइड करना। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को तीन नेम्स प्रोवाइड करते हैं तो वो कंडीशन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाती है। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर क्या होगा, जीनस स्पीशीज एंड सब स्पीशीज।
कभी वो नेम चेंज हो जाए या उस नेम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए और मान लो किसी एक्स या वाई साइंटिस्ट ने ऐसा किया है, तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट का नेम होगा वो लिखकर हम एक्स या वाई जिसने भी उसको फाइंड आउट किया उसके आगे वो लगा देंगे, जो दोनों ही साइंटिस्ट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बात हो गई हमारे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इट इज द कंप्लीट।